बिस्मिल्लाह प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता है वी आर डिस्कसिंग इकोलॉजिकल इंटरेक्शन वी आर डिस्कस्ड इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड नेगेटिव इंटरेक्शन सो फॉर एज पॉजिटिव इंटरेक्शन आर कंसर्न वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कॉमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म In the last two lectures. Today we are going to discuss one more type of positive interaction that is proto cooperation. Actually, it is a type of mutualism. Mutualism mein humne dekha that mutualism can be facultative or obligatory. Facultative mutualism. Hamne Us Rishte ko bola जिसमें जो दो ऑर्गेनिज्म हैं ये इस रिश्ते के बग़ैर भी जिंदा रह सकते हैं एंड द रिलेशनशिप इज नॉट वेरी एसेंशियल फॉर द पार्टनर्स सो द इज़ कंसर्न इट इज अगैन अ टाइप ऑफ फैकल्टेटिव मिचुअलिजम ये भी बिल्कुल आप समझो फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म है द टू पॉपुलेशंस

Or that positive interaction in which the two populations or the two living organisms are benefited or they benefit each other but are not essential to each other for survival. Therefore, this can be categorized as facultative mutualism. is what we mutualism. We examples. पहली एग्जाम्पल यहाँ लिखी गई है जो मैंने लिखी है नंबर वन द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स फूलों के दरमियान और इंसेक्ट्स के दरमियान एक रिश्ता होता है आपने नाम सुना होगा पॉलिनेशन का सो फॉर एज द क्रॉस पॉलिनेशन इज कंसर्न जिसमें एक फ्लावर का पोलन ग्रैंड दूसरे फ्लावर में चला जाता है इसके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं और इंसेक्ट्स भी एक बहुत बड़ा एजेंट है ये फ्लावर्स जो हैं दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स एंड इन टर्न जो इंसेक्ट्स हैं दे गेट द फूड इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर फ्रॉम दिस फ्लावर और फ्रॉम दिस प्लांट ये जो इस प्लांट का फूल होता है ये इंसेक्ट्स इसका रस पीते हैं इनको غذا हासिल होती है और इन टर्न इस फ्लावर की पोलिनेशन हो जाती है दैट मीनस इन दोनों का इस रिश्ते में फ़ायदा है लेकिन इसके बगैर भी बहुत सारे जरिए हैं पोलिनेशन के और इसके बगैर भी इंसेक्ट्स किसी और तरीके से जिंदा कोई और ग़ा भी खा सकते हैं जिससे वो जिंदा रह सकते हैं दैट इज़ वाई दिस एसोसिएशन इज एंड इट इज कैटेगराइज और इट इज़ नोन एज

अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने जब पॉजिटिव इंट्रैक्शन का पहला टाइप कॉमेंसैलिज़म पढ़ा उसमें हमने एक बर्ड कैटल एग्रेड की बात की जो इन मेमल्स के साथ साथ होता है हमने वहाँ बोला कि जब ये कैटल घास खाते हैं इस घास के नीचे जो कीड़े होते हैं जो इंसेक्ट्स ओपन हो जाते हैं कैटल एग्रेट उन्हीं कीड़ों पे जिंदा रहता है बज़ाहिर उसमें सिर्फ कैटल एग्रेट का फ़ायदा था इस ममल का इस हरबिवर का बज़ाहिर कोई फ़ायदा नहीं था दैट इज़ वाई हमने उस एसोसिएशन को बोला दैट एसोसिएशन वॉज टर्म एज कॉमेंशलिज्म लेकिन यहाँ अगर हम बात करेंगे आपने देखा होगा हमारे यहाँ हमारे एरियाज में साउथ एशिया में ज़्यादातर यहाँ मैना होती है कॉमन मैना होती है इसको अंग्रेजी में भी कॉमन मैना कहते हैं उर्दू में भी हम इसको मैना के नाम से पुकारते हैं देर इज अ बर्ड दैट इज नोन एज ऑक्स पैकर वन मोर बर्ड और दिस इज नोन एज टिक बर्ड ऑल्सो दीज बर्ड्स वट डू दे डू दे रिमूव द इंसेक्ट पेस्ट फ्राम द बैक्स ऑफ हर्बिवोर्स ये जो हर्बिवोरस में होते हैं घास खाने वाले जानवरों जैसे बुफैलू है कौ है राइनासरस है अक्सर इन की कमर पे आप इनको देखोगे आई शो द पिक्चर ये देखो मैं ना अक्सर हम देखते हैं इसको इन चौपाइयों के साथ कहा जाता है या हम भी देखते हैं अक्सर ये जो छुपाए होते हैं इनकी बॉडीज पे जो इंसेक्ट पेस्टस होते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं पैरासाइटिक जो होते हैं ये वो खा लेती है इसको गज़ा मिलती है और इस मैमल को इस हर्बिवोर को चाहे ये कोई भी हर्बिवोर हो गाय हो बेल हो अक्स हो बफेलो हो इसको इन इंसेक्ट पेस्ट से छुटकारा मिलता है मतलब ये कि दोनों का फायदा है लेकिन ये रिलेशनशिप ऐसी है कि ये मैना जो है ये बाकी गिजा भी खा सकती है ये इसके बगैर भी जिंदा रह सकती है देअर फोर अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉपरेशन और आई शो यू वन मोर एग्जाम्पल ये देखिए इट इज रायोसोरॉस इसके ऊपर ये जो बर्ड्स हैं इनको इनकोकर बोलते हैं दीज आर ऑक्स ये जो है packers, अक्सर इस के साथ देखे जाते हैं इनका भी इस रायनोसोरास के साथ बिल्कुल यही रिश्ता है जो इस मैना का इस गाय या इस बेल के साथ है ये भी इस रायनासोरास को इन इंसेक्ट इंसेक्ट्रेसिस से छुटकारा दिलाते हैं और इन टर्न इनको गजा मिलती है देयर इज वन मोर एग्जाम्पल Look here, there is a bird known as Egyptian क्लोवर or it is also known as crocodile bird. कहा जाता है देखा गया है जब ये क्रोकोडाइल शिकार करता है मगरमत जब शिकार करता है जो कार्निवोरस है जब ये शिकार करता है फिर ये शिकार करने के बाद धूप में निकलता है और इसकी जा मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है ये अपने मुंह को खोल के रखता है और इस मुंह जो जब ये खोलता है तो इस मुंह के अंदर एक बर्ड चला जाता है दैट इज नोन इज क्रोकोडाइल दैट इट क्रोकोडाइल बर्ड इट एंटर्स द ओपन माउथ ऑफ क्रोकोडाइल्स जब क्रोकोडाइल इस प्रे को निगल लेता है कहा जाता है कि इसकी इसके जाज में कुछ गोश्त के टुकड़े वहीं रह जाते हैं और उन गोश्त के टुकड़ों पर ये क्रोकोडाइल बर्ड पलता है ये वो गोश्त के टुकड़े खा लेता है ये भी कहा जाता है कि इस क्रोकोडाइल ये जो क्रोकोडाइल होता है इसके मुंह में पैरासाइटिक इंसेक्ट जैसे लीच होती है जो इसका खून पी लेती है और उनसे भी इस क्रोकोडाइल को छुटकारा मिलता है बिकॉज ऑफ दिस क्रोकोडाइल बर्ड आई द पिक्चर ये देखिए, दिस इज ऑक्सपैकर ये जो है ये ऑक्सपैकर है कहा जाता है कि अपनी फैमिली का एक सोल अकेला मेंबर आज बच गया है जब ये क्रोकोडाइल मुंह खोल लेता है बहुत देर तक मुंह ऐसे ही खोल के रखता है और इसके मुंह के अंदर ब्लड सकिंग इंसेक्ट से लीच होती है या मैंने आपको अभी बोला शिकार करने के बाद इन जाज में कुछ गोश्त के टुकड़े रह जाते हैं जिन पर ये ऑक्सपैकर पलता है उनसे छुटकारा उन मिलता है और इस को मिलती है दोनों का फायदा है अगैन दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉपरेशन देर इज वन मोर एग्जाम्पल इट्स रिलेशनशिप बिटवीन ants एंड aphids. एंट्स और एफिड्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है चेटियाँ हैं एफिड्स आर सकिंग इनसेक्ट्स लिविंग ऑन बोथ इनडोर एंड आउटडोर प्लांट्स एफिड्स भी छोटे छोटे ऐसे कीड़े जो हमारे प्लांट्स पर पलते हैं दे फीड ऑन दैप ऑफ द प्लांट्स ये प्लांट्स का रस पीते हैं एंड सिक्रीटेंस कॉल्ड हनी ड्यू कहा जाता है कि ये, जो है, ये इन प्लांट्स के पत्तों पे या इनके स्टेम्स पे एक स्वीट सबस्टेंस्रीट करते हैं एंड दिस टिकट हनी ड्यू इज फूड ये आट्स की बहुत चहेती गजा है दैट यूनिक रिलेशनशिपैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर एफ्स कहा जाता है कि इन एफिड्स को प्रोटेक्शन मिलती है बाकी प्रीडेटर्स से बाकी इंसेक्ट्स से इस प्लांट पर एफिड्स जिस प्लांट पर एफिड्स होते हैं एफिड्स को प्रोटेक्ट करते हैं ऐड्स एंड इन टर्न ऐड्स को غذا मिलती है इन द फॉर्म ऑफ दिस हनी ड्यू इनको हनी ड्यू मिलता है इनको ये मीठा रस मिलता है और एफिड्स को प्रोटेक्शन मिलती है जिस जिस प्लांट पर हम देखेंगे ज्यादा एंट्स तो देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट दैट प्लांट मस्ट बी लार्जली इन्फेस्टेड बाय द एफेड्स उस प्लांट पर एफिड्स बहुत ज्यादा हो सकती है ये भी कहा जाता है कि जो एंट्स हैं इस एफिड को आप एग्जाम्पल देख सकते हैं फोटोग्राफ में आपको दिखाऊंगा ये देख लीजिए दिस इज एट ये एट है ये वाली और ये छोटे छोटे कीड़े जो आपको नजर आते हैं यहां यहां आर एफिड्स।